काइनमास्टर एप्लीकेशन में कोडेक एरर या अनसपोर्टेड वीडियो प्रोफाइल एरर को फिक्स करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जेवियर है और आप देख रहे हो मेरा चैनल जैव बाय। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया हूँ और मोबाइल पे मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। तो ये देखिए काइनमास्टर एप्लीकेशन का आइकन, और जैसे मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा ये यहाँ इस तरह ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन है, नीचे टाइमलाइन है और दाहिने तरफ है इसका कंट्रोल पैनल। तो यहाँ फाइल को इम्पोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो मुझे एक फ़ाइल इम्पोर्ट करना है, ये फाइल मैंने कंप्यूटर से स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की थी। तो इसे जैसे मैं ओपन करूँगा तो ये कुछ इस तरह का एरर मुझे देगा। द क्लिप यूजेस एन अनसपोर्टेड वीडियो प्रोफाइल, और इसका उपाय मैंने खोज निकाला है। तो इसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ा। तो प्ले स्टोर से मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैंने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और इसे फर्स्ट टाइम ओपन करूँगा। इस एप्लीकेशन का नाम है वीडियो कन्वर्टर, और ओपन बटन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको परमिशंस को अलाउ कर देना है। परमिशंस को अलाउ करने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो कन्वर्ट का ऑप्शन है और वीडियो टू ऑडियो कन्वर्ट का ऑप्शन, साथ ही साथ कुछ टूल्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ वीडियो कन्वर्टर आइकन पर क्लिक करने के साथ ही साथ यहाँ पर मैं उस फाइल को इम्पोर्ट कर लूँगा जिस फाइल के कारण काइनमास्टर में प्रॉब्लम हो रहा था। और यहाँ पर आप इसका वीडियो इन्फो और ऑडियो इन्फो भी देख सकते हो। यहाँ मुझे कोई चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और नीचे देख सकते हो मुझे सिर्फ इसके ऑडियो में चेंजेस करना है। और यहाँ एरो बटन पे क्लिक करके मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको अपना डिवाइस चुन लेना है, आपका एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़ या ब्लैकबेरी जो भी हो। यहाँ पे मेरा एंड्रॉयड डिवाइस है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके फॉर्मेट और वीडियो सेटिंग और ऑडियो सेटिंग में मैं ऑडियो सेटिंग में AAC के बदले MP3 में इसे चेंज कर दूंगा। और नीचे एरो बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे फॉर्मेट MP4 ही रखना है, और यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये फॉर्मेट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप कन्वर्ट और इन बैकग्राउंड प्रोसेस का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं कोई भी बटन प्रेस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसे 100% कन्वर्ट करना है। ये देखिए यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, और प्रोसेसिंग होने के बाद देखते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन में यह वीडियो ओपन हो पाता है या नहीं। तो ये वीडियो यहाँ से 100% कन्वर्ट हो गई है, और कन्वर्ट होने के बाद चलिए यहाँ पे इसे हम काइनमास्टर पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और काइनमास्टर एप्लीकेशन को PC में किस प्रकार रन किया जाता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हो। यहाँ काइनमास्टर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर टाइमलाइन पे कोई और फाइल है, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ मीडिया पे, और सबसे पहले उसी फाइल को ओपन करता हूँ जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे ही मैंने फाइल ओपन की तो ये फिर से वही एरर आ रहा है। तो चलिए अब उस कन्वर्ट किए हुए फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनकोडिंग वार्निंग आ रहा है, लेकिन ओके करने पर यह फाइल इम्पोर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब एरर सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।